27वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड में आप लोग सीखने जा रहे हैं राग तोड़ी। राग तोड़ी में रे ग ध ये तीनों स्वर कोमल लगते हैं और मध्यम लगता है। इस तरह से कुल मिला के चार स्वर इसमें विकृत प्रयोग में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इस राग को सीखने की आवश्यकता है। जहां तक मैं समझता हूं कि ये विकृत स्वरों का जो प्रयोग है गले से थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग बहुत ध्यान से बहुत तसल्ली से इस राग को सुने और फिर खुद से इसको करने का प्रयास करें। तोड़ी राग के साथ ही जो 10 थाटों पर आधारित हम रागे अभी तक आप लोगों को सिखा रहे थे वो पूरी हो जाएंगी। 10वां थाट है तोड़ी और 10वां थाट तोड़ी के साथ ही इस पर आधारित जो राग होती है तोड़ी वो आप लोग इस एपिसोड में सीखेंगे। और इसी के साथ ये 10वां एपिसोड आपके एक साथ 10वां थाटों पर आधारित जो रागे हैं वो पूरी हो जाएंगे। इसके बाद हम जो अगला एपिसोड ला रहे हैं 28वां, उस 28वें एपिसोड में आप लोग सीखेंगे फिर से बिलावल से शुरू करेंगे। जैसे कि अभी हमने बिलावल से फिर भैरवी यमन इत्यादि 10वां रागों को हमने सिखाया है, ऐसे ही अब हम फिर से बिलावल राग से ही शुरू करेंगे। बिलावल थाट पर आधारित जो राग बनती है वो राग हम पहले लेंगे जिसका नाम है अलैया बिलावल। अलैया बिलावल राग आप अगले एपिसोड में सीखेंगे और साथ ही साथ उस एपिसोड में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, अभी से ही आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि अगले एपिसोड में हम उस राग के अंदर आलाप और तान ऑन द स्पॉट इसी समय बनाएंगे और आपको सिखाएंगे। आप भी बनाने का प्रयास करें। रागों के आलाप और तान कैसे बनते हैं ये समझने की बात है। अभी तक आप सीखते आ रहे हैं और समझ भी चुके होंगे कि आलाप और तान किस तरह से हुआ करते हैं। मुखड़े को छोड़कर किसी भी मात्रा से मुखड़े को छोड़ देते हैं ख्याल के और आलाप करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उस राग के स्वरों को बोलना शुरू कर देते हैं जिस तरह के स्वर उस राग में लगा करते हैं। और बोलते बोलते हम ऐसे किसी जगह पर आते हैं जो फिर से मुखड़ा पकड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे में हमें ताल का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कौन सी ताल चल रही है आपके ख्याल में, आपकी बंदिश में किस तरह की ताल है, उसी ताल की मात्राओं के अनुसार हम स्वरों का चलन लेते हैं। स्वरों को लेने का जो तरीका है आलाप करते समय वो है उसके आरोह अवरोह स्वरूप के आधार पर हम स्वरों को लिया करते हैं कि किस तरह का चलन आरोहात्मक स्वरों का जा रहा है और किस तरह का चलन अवरोहात्मक स्वरों का आ रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आलाप करते जाते हैं। जहां कहीं हम एक्स्ट्रा रुकते हैं, एकाध मात्रा एक्स्ट्रा बीच में रुक करके वजन दे करके निकल जाते हैं, वो हम उसके वादी और संवादी स्वरों के आधार पर दिया करते हैं। तो ऐसे ही कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आपको आलाप और ताने दोनों चीजों को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करने का आप अभी से ही प्रैक्टिस कर लें। खुद से आलाप और तान स्वयं निर्माण करेंगे और हो सकेगा तो हम आने वाले सीरियल्स में आने वाले एपिसोड्स में हम आपको हमारी खुद की रचनाएं खुद की बंदिशें भी देने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम जो किताबों में पहले से ही बंदिशें चली आ रही हैं उन्हीं बंदिशों को आपके सामने रख रहे हैं और उन बंदिशों में आलाप और तान हम खुद निर्माण करके आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हो सकेगा तो हम आपको बंदिशें देंगे नई जो किताबों में नहीं है, इसलिए हर एपिसोड को ध्यान से देखने की आवश्यकता है और स्लो मोशन में करके देखने की जरूरत है ताकि आप शब्दों को अच्छे से समझ पाए और उनके आलाप और तान के स्वरों को भी ठीक से समझें। तो ये तो बात हो गई तोड़ी की और आगे आने वाले एपिसोड की। अब एक महत्वपूर्ण बात जो कि मुझे कहना है उन सभी दर्शकों को जिन्होंने हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मुद्राएं भेजी हैं, आपकी गुरु दक्षिणा हमारे इस एपिसोड के निर्माण में बहुत ही ज्यादा सहायक है। अगर आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मुद्रा हमें भेजते हैं तो हम इन एपिसोड्स को आगे से आगे और बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि आपको हम सिखा पाने में सक्षम है, आपको समर्थ हो रहे हैं, हम सिखा पा रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि हमारा बैंक का अकाउंट का नंबर हर एपिसोड के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होता है, उस एपिसोड उसी धारावाहिक के अंदर आप देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा बैंक अकाउंट देखें और उसमें जो कुछ भी आप जमा कराना चाहें वो करा सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी इस बात की। साथ ही साथ जो स्वरांगिनी बुक है जिसको हम अभी तक जिसके माध्यम से आप लोग सीखते आ रहे हैं, उस स्वरांगिनी का लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
तो आप लोग वहां से स्वरांगिनी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दस एपिसोड, यहाँ जो दसवां थाट जो हम अभी सिखा रहे हैं थोड़ी, यहाँ तक ही स्वरांगिनी के अंदर है, इसके अलावा स्वरांगिनी में नहीं होगा। अब हम किसी दूसरी बुक का सहारा लेंगे या फिर हमारे खुद के लिखे हुए छोटे ख्याल होंगे। तो आइए, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबको सिखा रहे हैं हम राग तोड़ी। गंधार है तोड़ी राग विराज, इस दोहे का अर्थ है कि इस राग का नाम तोड़ी है, थाट तोड़ी, जाति संपूर्ण, स्वर इसमें रेगा धा कोमल लगते हैं और मौत तीव्र, शेष शुद्ध। वादी स्वर ध है कोमल ध और संवादी कोमल ग। गायन वादन समय इस राग का दिन का दूसरा प्रहर है। अब इस राग में सीखने से पहले आगे हम इस राग के कुछ करेक्शंस देखेंगे जो बुक में मिसप्रिंट्स हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इस राग के आरोह अवरोह पकड़ में। पकड़ में, पकड़ में जो पहला स्वर है ध, वो ध कोमल है और उसके नीचे एक बिंदु लगाना है क्योंकि वो मंद्र सप्तक का है। तो आप जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ध के नीचे एक बिंदु है, आप वैसा ही कर सकते हैं। और उसके बाद नी है, नी के नीचे भी एक बिंदु लगाना है क्योंकि वह भी मंद्र सप्तक का है। उसके बाद आप देखेंगे एक सर्कल रे पे कर रखा है, वो रे के आगे जो कॉमा लगाया है उसको भी देखेंगे। कॉमा लगाना है हमको, ध के नीचे बिंदु, नी के नीचे बिंदु और रे के आगे एक कॉमा, और ग जिसपे सर्कल कर रखा है उस ग के आगे भी एक कॉमा देखेंगे। तो ये तो हो गया पकड़ का करेक्शन। अब हम देखेंगे हमारे अंतरे में, यानी कि छोटे ख्याल के अंतरे में। छोटे ख्याल के अंतरे में लास्ट लाइन देखेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नी पे सर्कल कर रखा है क्योंकि उसके नीचे एक बिंदु लगाना है, यानी वो भी मंद्र सप्तक का है। तो ये हुआ अंतरे का करेक्शन। अब देखेंगे स्थाई आलाप। स्थाई आलाप के चौथे आलाप में देखेंगे, स्क्रीन पे आपके म नजर आ रहा है, उसकी जगह कुछ और था, उसे काट के हमने तीव्र म किया है, वो तीव्र म कर देंगे आप। इसके बाद आखिरी यहां देखेंगे इसी आलाप में ग म। ग कोमल होता है तो इस राग का ग कोमल है तो ग के नीचे एक अंडरलाइन कर देंगे तो ग कोमल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अंतर आलाप में पहले आलाप का चौथे खंड का दूसरा अक्षर प ग, यहाँ भी ग कोमल है तो ग के नीचे एक अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद देखेंगे चौथा अंतर आलाप, चौथे अंतर आलाप में ह र के बाद जो ग दे रखा है वो ग भी कोमल है, उसके नीचे भी एक अंडरलाइन कर देंगे। ये हो गया हमारे अंतर आलाप के करेक्शंस। अब देखेंगे हम स्थाई तानों में करेक्शन। स्थाई तानों में जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहला करेक्शन जो है हमारी पहली तान का तीसरे खंड का है,
तीसरे खंड में जो हमारा आखिरी अक्षर है ग रे, दोनों कोमल, दोनों तार सप्तक के हैं, ये सब सही है, बस उनको हमें जोड़ना है, दोनों को मतलब एक ही अक्षर में लिखना है। तो एक जैसे मैंने सेमी सर्कल कर रखा है, आप भी वैसे ही कर सकते हैं ताकि ये दोनों दुगुन में गिने जाएं। अब आगे देखेंगे अगला तीसरा अक्षर यानी कि चौथे खंड का तीसरा अक्षर म ग, इसमें भी म तीव्र है और ग कोमल है, तो ग के नीचे भी अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद देखेंगे रेसा, रेसा अलग अलग लिख रखा है, उन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे सेमी सर्कल से। अब देखेंगे दूसरी तान का तीसरे खंड का दूसरा अक्षर सा, जो कि तार सप्तक का है, वो पहले कोमल दे रखा था, उसे हमने काट के सही किया है क्योंकि सा कभी कोमल नहीं होता। तो सा पे बिंदु लगा के बगल में एक छोटा सा डैश लगा के अपन एक सेमी सर्कल कर देंगे ताकि वो दुगुन का सा माना जाए। फिर देखेंगे तीसरी तान, तीसरी तान के दूसरे खंड का दूसरा अक्षर रेग, रेगा दे रखा, उन्हें साथ में करना है क्योंकि ये दुगुन में है। उसके बाद देखेंगे तीसरे खंड का प, प कोमल दे रखा था, उसे काट के हमने प शुद्ध लिखा है। उसके बाद देखेंगे चौथे खंड का पहला अक्षर ग म, ग कोमल है, ग के नीचे अंडरलाइन होगा। उसके बाद देखेंगे हम प ध, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प ध, ध भी कोमल है तो ध पे अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद गरे, गरे साथ में करना है क्योंकि दुगुन है। अब देखेंगे चौथी तान, चौथी तान में दूसरे खंड का चौथा अक्षर गरे, इन दोनों को भी साथ में करना है क्योंकि ये दुगुन की ताने होती हैं। फिर ऐसे ही हम देख रहे हैं रेगा, रेगा जिन पे सर्कल कर रखा है उनके नीचे भी एक सेमी सर्कल है क्योंकि ये दुगुन में है। अब हम देखेंगे हमारी अंतरा तान, अंतरे तान में पहली तान का लास्ट खंड का तीसरा अक्षर गरे, गरे में भी नीचे एक सेमी सर्कल करना है क्योंकि ये दुगुन में है और ग और रे तो कोमल है ही। अब देखेंगे दूसरी तान में हर रंग कहे के बाद जो पहला अक्षर है म प, म तीव्र रहेगा तो म के नीचे एक खड़ी लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखेंगे धनी, ध कोमल है, ध के नीचे एक अंडरलाइन। फिर देखेंगे सानी, ध प, ध के नीचे एक अंडरलाइन क्योंकि ध कोमल है, ध प। फिर देखेंगे यहाँ पे ग रे, साथ में लिखेंगे एक सेमी सर्कल करके। उसके बाद ग म, म के ऊपर एक खड़ी लाइन खींच देंगे। फिर देखेंगे तीसरी तान में हर रंग नीसा ग म, ग भी कोमल है, ग के नीचे भी एक अंडरलाइन कर देंगे। फिर चौथी तान देखेंगे, चौथी तान में जो दे रखा है सारे ग म प रे ग, रेगा अलग अलग दे रखा था तो रेगा को साथ में कर दिया हमने। फिर देखेंगे ग म, ग के नीचे अंडरलाइन क्योंकि ग कोमल है। तो इस राग में इतने ही थे करेक्शंस। अब आगे सीखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके सरगम गीत के बोल क्या हैं। देखिए इसका सरगम गीत त्रिताल मध्यलय में तालबद्ध है और उठ रहा है यहाँ खाली से, नवी मात्रा से। ध ध प प म म प ध म ग, यानी कि इसका सम देखा हमने म प। ध ध प प म म प ध म ग रे ग म प ग म प ध नी ध प म ग म प म ग ग रे सा नी सा ग ग म ग म ध नी ध रे नी ध नी ध प। अब हम देखेंगे इसका अंतरा, अंतरे में भी जो है खाली से ही उठाया जा रहा है म ग म ध नी नी सा ध, ध पे इसका सम है देखेंगे ध नी सा ग रे सा नी ध। दूसरी लाइन ग ग रे सा रे नी ध ध म ध नी ध म ग रे सा। तीसरी लाइन नी सा ग ग म ग म ध नी ध रे नी ध नी ध प। ये तो हो गया इसका सरगम गीत के स्थाई अंतरा। अब देखते हैं इसका छोटा ख्याल, छोटे ख्याल के बोल देखेंगे लेकिन वो त्रिताल मध्यलय में तालबद्ध है ये भी है। अब इसके बोल खाली से उठेगा ने क चाल चली ए, ए पे इसका सम है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं ने क चाल चली ए चतुर। फिर देखेंगे प्रभु सौ डरी ए गर्व न करी ए ना ही भरो सो या नर नन ओ। ये था इसका स्थाई। अब देखेंगे इसका अंतरा, खाली से ही उठता है
हर रंग कहे उपदे, दे पे इसका सम है। हर रंग कहे उपदे सब चन अब, समझ समझ पग जग में धरी ये, मानुष जन्म नहीं बार बार यहाँ, करना हो सो करिए चतुर। अब हम देखेंगे राग तोड़ी आरोह अवरोह स्वरूप से। Ah!
चाल चली आ।
अब हम देखेंगे इसी राग में भजन दो सुगम गीत भजन देखेंगे, जो कि एक लिखा गया है तन पे हरी का चोला बाय पंडित अवध किशोर पांडे और कंपोजिशन भी उन्हीं की है, और एक है भजले भजले ये भी कंपोजिशन उन्हीं की है। सुनते हैं।
अब हम देखेंगे इसी राग तोड़ी में बेस्ड फिल्म सॉन्ग्स। पहला सॉन्ग है दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, फिल्म बसंत बहार। दूसरा सॉन्ग एरी मैं तो प्रेम दीवानी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, फिल्म मीरा 1979, फिल्म मीरा 1979, एरी मैं तो प्रेम दीवानी। तीसरा सॉन्ग है जागो रे जागो प्रभात आया, जागो रे जागो प्रभात आया, फिल्म संत ज्ञानेश्वर, फिल्म संत ज्ञानेश्वर, जागो रे जागो प्रभात आया। चौथा है जिस दिन से पिया, जिस दिन से पिया, फिल्म इंतजार, फिल्म इंतजार, जिस दिन से पिया। पांचवा और आखिरी सॉन्ग इंसान बनो, इंसान बनो, फिल्म बैजू बावरा, बैजू बावरा फिल्म है और सॉन्ग का नाम है इंसान बनो। अब एक बार हम पंडित अवध किशोर जी पांडे का मोबाइल नंबर बोल देते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप उन्हें कॉल कर सकें। 09828494611, 09828494611।